दोस्तों नमस्कार। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही घर से। और अब मैं जहाँ पे जो मेरा कल का ब्लॉग था उसमें देखा था मैं गणेश चतुर्थी, आज उसका हो रहा समापन और वहां पर हो रहा भंडारा। अब जाके देखते हैं भंडारे में क्या कर रहा हूँ। वहां मिलते हैं हमारे श्याम कुंज की टीम से, मिलते हैं आपको ब्लॉग। A few moments later. नमस्कार साथियों, और आज मैं खड़ा हूँ अपने श्याम कुंज गणेश चतुर्थी की समिति के साथियों के साथ, और आज इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। अब आप थोड़ा बहुत बताइए आज क्या क्या प्रोग्राम है आपका, क्या क्या स्ट्रेटजी है। देखिए आज शाम को हमारा भंडारा का यहाँ पे है प्रोग्राम। हाँ वॉल्यूम थोड़ा ठीक है ना। भंडारा आज यहाँ पे होने वाला है, शाम को 6:30 बजे से शुरू होगा और जब तक उन्हें ख़त्म नहीं होता यानी कि 10:30-11 बजे तक होने का है उम्मीद। और कम से कम 3,500-4,000 लोगों के लिए हमने बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा जी। और उसके बाद कल संडे को हमारा विसर्जन की है कार्यक्रम, और हम 11 बजे यहाँ से सभी ओके साथ ही निकलेंगे और गणेश भगवान को लेके फिर दमदमा लेक जाएंगे और वहाँ पे विसर्जन करके। बड़े अजय ये है, मैं उनको अपने इसमें ब्लॉग से अपडेट दे दूंगा जो पता चल जाए। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे तो बता दीजिए। अच्छा बोल दिया। चलो जी बढ़िया जी, आप लोगों ने जो कराया मैंने श्याम कुंज का, मैं थोड़ा बहुत वीडियो डालता रहता हूँ कि अपडेट के लिए हमारे यहाँ की जनता को भी पता लगता रहे। अच्छा है चलो। ये जो प्रोग्राम है हमारा, हाँ जी गणेश जी का, ये हमारा बहुत पुरातन है, वो 10वां है। अच्छा जी बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है ना, हम मतलब इंडिया का देखेंगे पूरा मिनी इंडिया है यहाँ पे। बिहार उड़ीसा मतलब सारी साइड का बंगाल का बंदा यहाँ पे लोग हैं, तो एक भाईचारा है हमारे बीच में। हमने जब शुरू किया था ना ये सिर्फ मैंने उड़ीसा के कुछ भाइयों ने किया था। अच्छा। लेकिन फिर सारे भाई इसमें जुड़ते चले गए, चाहे वो बिहार के चाहे हरियाणा के हों चाहे दिल्ली के हों किसी भी प्रांत के हों, और सभी मिलजुल के रह रहे हैं, सभी मिलजुल के पूजा कर रहे हैं और सभी आनंदित हो रहे हैं। बिल्कुल जी, वो मैं इसमें आपको कैप्चर कर रहा हूँ, मुझे पता लगा मेहता जी और भाई ये सब लोग हैं। अच्छी बात है, सब लोग ये अच्छा ही होता है, सब बढ़िया है। किसी के साथ कोई मतलब भेदभाव नहीं होता, सब हम लोग मिलजुल करके ये कार्यक्रम रखते हैं और अच्छी तरह से सम्पन्न करते हैं। अच्छा जी बढ़िया लगा, इसीलिए मैंने भी एक ब्लॉग पहले डाल दिया, अब ये डालूंगा, मुझे टाइम थोड़ा थोड़ा मिल जाता है जो थोड़ा बहुत अपडेट मैं यहाँ की डाल देता हूँ अपने श्याम को भी। नमस्कार जी, मिलते हैं आपको आगे, आपको मिलवाते हैं जो भंडारे की सब टीम है। भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। हेमंत जोशी, RW सेक्रेटरी। दौलत सिंह। रामेश्वर। राजू पाल। अब इन जो मैं आपसे मिलवाता हूँ, इन्होंने क्या कमांड संभाल रखी आज की, वहाँ देखा था पूजा का, ये देखिए जो आज मेन है भंडारे का, अब इसके बारे में बता दीजिए आज क्या क्या बनाया। चलो जी दौलत जी आप भी आ जाओ जी। भाई साहब यहाँ पर भंडारे का प्रसाद बर्तन है, हलुआ है। अच्छा। आलू पूड़ी और लगभग तैयार हो चुका है, थोड़ी देर में ये कार्यक्रम चला। चलो बढ़िया, मैं थोड़ा बहुत कैप्चरिंग करके दिखाऊंगा जब है ना, ठीक है। चलो जी धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा कार्य है जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जय हो। आपको दिखाते हैं जो भंडारे के लिए सारा आइटम तैयार हो रहा है, जो प्रसाद है जी मैं आपको दिखाता हूँ, गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं और एक टीम निकल रही है। जय हो बाबा की, जय हो भाई साहब, और ये पूरी टीम लगी हुई है जोर शोरों से। और ये हम दौलत जैसे जैसे मैं पूछ रहा था, ये है वाह जी वाह, ये हलवा आलू की आप देख सकते हो, धनिया जो इसमें हो थोड़ा थोड़ा, और ये हलवा आज वो, और आइटम देखने से लग रहा है कि कितना है। और ही हो रहा है कुछ, अब भंडारे के लिए जो प्रसाद का वितरण है उसकी पोजीशन चेंज, क्योंकि यह है मेन गली, इस गली में जाके भीड़ तो पीछे लेके, और ये स्पेस है, यह है मेन गेट यहाँ का जो मैंने पहले देखा था। कॉलोनी के धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लगा रहे हैं भोग हमारे गणेश जी महाराज को।
उसी बीच में दिखाते हैं हमारे। और लग चुका है प्रसाद, और ये पहला है जो कन्याओं के लिए है। हो गया सब्जी ना? सब्जी हो गया उसमें, हो गया फिलअप हो गया उसमें, बच्चे लोगों को थोड़ा थोड़ा, जो कि हमेशा शुरुआत होती है पहले कन्याओं के लिए जी। और ये कन्याओं को बहुत अच्छा, और ये पूरी टीम है जो इनकी काम कर रही है, या को प्रसाद में जो अपना योगदान देना पड़ता है बहुत अच्छा है। और ये छोटी छोटी कन्याओं के लिए बढ़िया। चलो मैं ये देख रहा था आज अच्छा रेजिमेंट है ना, तीन चार जगह बढ़िया। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, काउंटर लगा रखे पिछली बार, पिछली बार थोड़ी चूक हुई थी, अभी हमने पूरा सुधार किया गया। कोई नहीं, यही होता है धीरे धीरे करके आगे के लिए बढ़ना अच्छा होता है। और इधर देखो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने महिलाओं के लिए, काफ़ी भीड़ भाड़ होती तो महिलाओं के लिए यहाँ लगा रखा है कि यहाँ से लें और यहाँ पे बैठ के खाएं। और जेंट्स के लिए वो देख सकते हो आपको बच्चे। और जो ये पानी का काउंटर है संभाल रखा हमारे युवा लड़कों ने, बहुत अच्छा काम है बेटा, बस्सा बस। देखिए पूरी टीमें मिलके काम कर रही हैं, अच्छा लगता है। स्पेस काफी है, बड़ा अच्छा है सिस्टम। देखिए भंडारा कितना सही चल रहा है, स्पेस का जो पूरा यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे। जो सारे वो लगे हुए हैं अपने नमस्कार जी। और देखिए सबसे अच्छी बात है जो ये पत्तलों का रहे, यहाँ पे पत्तलों का है, ये बढ़िया चीज है। जाता है कि गणेश जी की आरती होने जा रही है, सभी लोग शीघ्र से शीघ्र पंडाल में पहुंचे और गणेश जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गणेश भगवान की जय। Oh.
सब्सक्राइब करना और इसमें अपने कमेंट्स लिखना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मैं आपको ब्लॉग अभी वन बाय वन दिखाता रहूंगा और अच्छे अच्छे आएंगे। इस पर अपने कमेंट्स और लाइक जरूर